दोस्तों, वी आर बैक अगेन। हमारी फ्री कोच जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कैसे एक पैटर्न को, जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा फॉर्म होता है और बहुत वाइडली यूज है, जिसे हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अब देखो, फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूँ तो एक जैसे पोल होता है ना एक फ्लैग का, अगर आपने सबने फ्लैग देखा हो तो वैसे इसमें एक पोल होता है, यानी कि मूवमेंट होता है जो कि स्ट्रेट या फिर थोड़ा सा स्लाइटली कैसा हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो बट अपवर्ड अपवर्ड की तरफ बना हुआ हो, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद एक स्लोप बनता है जो कि नीचे की तरफ आ रहा होता है, जिसे हम फ्लैग बोलते हैं। और फ्लैग के बाद में क्या होता है, फ्लैग का एक ब्रेकआउट होता है। जैसे आप फ्लैग में देखते हो ना कि थ्री स्ट्रिप्स होती है, मतलब एक अपसाइड होती है, डाउन साइड होती है, वैसे हम इसमें एक फ्लैग की अपसाइड डाउन साइड बनाते हैं। और फिर जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो उसको ट्रेड करते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर इसको ट्रेड तो करते हैं पर उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उसका और मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लें और कितने टाइप्स में फॉर्म होता है। तो आओ चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ लगाए हुए, क्योंकि ये आपके अभी काम के हैं नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं। अभी देखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि बनता डेली है और बहुत ज्यादा बनता है। बहुत मतलब आप देखोगे ना, किसी भी टाइम फ्रेम को उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा बनने वाला पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको कोई और दूसरा मिले तो मुझे जरूर बताना। और डबल टॉप डबल बॉटम तो आए दिन बनते रहते हैं, आए दिन हर टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, जैसे हमने बात की थी एक पोल बनाएंगे, जैसे कि फ्लैग में एक पोल होता है तो उसी तरह हमने एक पोल बना दिया, ठीक है। तो चलो देखो, यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये एक पोल मैंने बनाया, ये एक पोल यानी कि एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा खासा मार्केट में। उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करता है और क्या होता है, एक जगह पे जाकर के रुक जाता है। वहां से क्या देता है, ब्रेकआउट देता है, किसका, हमारे पोल का, फ्लैग के ऊपर वाले सरफेस का, ठीक है। पोल तो सॉरी ये वाला बोलते हैं। तो जैसे इस फ्लैग के सरफेस का ब्रेकआउट होता है, आप देखना मार्केट कितनी अच्छी तरह से मूव किया। बोला जाता है कि जो टारगेट होगा ना वो इसके बराबर का होगा, यानी कि 1:1 का तो एटलीस्ट टारगेट, जितना बड़ा पोल है उतना बड़ा ही टारगेट। तो देखो आप कितना अच्छा टारगेट यहाँ पर देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा पोल क्रिएट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद में एक फ्लैग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फ्लैग के ब्रेकआउट पे दोबारा मार्केट ने बहुत अच्छे से मूवमेंट दिया। और कहीं पे देखते हैं, देखो कहीं पे बन रहा है क्या। चलो मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ, अभी एक्चुअली इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है निफ्टी में। अगर आप निफ्टी देखोगे ना, अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो तो आपको क्लियरली बताता हूँ कि निफ्टी में अभी फॉर्मेशन हो रहा है फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न का। कैसे, ये देखो, ये पोल बनता हुआ आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद में ये पैटर्न बन रहा है फ्लैग का। ये जो फ्लैग नीचे की तरफ बन रहा है, अगर आप इसको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो फ्लैग बनता हुआ आ रहा है। जैसे इस फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वही जैसे कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न ने बोला, बहुत बार वर्कआउट करता है। इसका पहला डायमेंशन ये वाला होता है, जिसमें क्या होता है, पोल होता है, स्ट्रेट पोल होता है। स्ट्रेट पोल के बाद में क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर वाले लेवल्स को टच करके नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। ये फॉर्मेशन क्रिएट करता है कुछ इस तरह से। एक पैटर्न होता है जो कि फ्लैट होता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ भी एक फ्लैग बन रहा है, मैं इसको पैटर्न को बना लेता हूँ। ये स्ट्रेट फ्लैग है जिसको मार्केट में ट्रेड किया जाता है एज ए रिट्रेसमेंट और एज ए रेंज बाउंड मार्केट, इसको बोल के ट्रेड किया जाता है मार्केट में। ये देखो आप, ये भी एक फ्लैग है। इस फ्लैग का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे फ्लैग बनाया है यहाँ पर, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और मार्केट बहुत अच्छी तरह से फ्लाई किया है यहाँ पर। अभी मुझे समझना है यार, मैंने फ्लैग पोल तो सीख लिया, अब मैं एंट्रीज कैसे लूँ इसमें, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्योंकि फ्लैग पोल कहीं भी बने, मैं एंट्री ले लूंगा, मुझे लॉस हो गया तो, या फिर मैंने, मुझे कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट हो गया। देखो अभी यहाँ भी एक फॉर्मेशन हो रहा है फ्लैग का, पोल का। ये पोल बना, उसके बाद में ये फ्लैग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, और ये नीचे वाला फ्लैग बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का। जैसे ब्रेकआउट होता है नीचे चला जाता है। अब इसमें देखने वाली बात क्या होती है, देखो सबसे पहले तो ना आप एक बात मेरी मान लो, समझ लो एक बात को, कि जो पोल होगा, जैसे जो ये पोल बन रहा है, इसके 50% से ऊपर मार्केट अगर जाता है, इस पोल के 50% से ऊपर, अगर आप सेलर हो, अगर आप बायर हो, तो अगर इस 50% से ऊपर जाता है इस पोल के, तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। कैसे, चलो समझते। ये जैसे ये पोल बना, ठीक है, इसका 50% अगर मैं देखूं तो रफली कहीं यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अगर इसके नीचे जाता है इसके फ्लैग का फॉर्मेशन, तो फिर मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा, फिर ये मेरे लिए क्या है, अभी ट्रेडेबल नहीं है। फिर मैं इसका फ्लैग बना दूंगा, फ्लैग बनाने के बाद में मैं ब्रेकआउट देखूंगा फ्लैग का, ठीक है। जैसे ही फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, हमेशा समझना है कि अगर ये बुलिश मार्केट में बन रहा है
जैसे बुलिश मार्केट में ऐसे फ्लैग बन रहा है स्ट्रेट, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड बताएगा, यानी कि ट्रेंड अभी कैसा है, पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, कौन सा ट्रेड लेना है, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेना है, ना कि सेलिंग का। जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इस तरह के पैटर्न देगा नीचे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग का ट्रेड लूंगा। देखो यहाँ पर ये मेरे लिए सेलेबल नहीं बनता था, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये अपने क्रिएशन में नहीं आता है, बन रहा है, काम कर रहा है, डजंट मीन कि मेरी क्रिएशन में आ जाएगा, हटा देता हूँ मैं इसको यहाँ से। अगर आप इस जगह देखोगे ना, तो एक और बन रहा है और वो बड़े अच्छे से वर्कआउट किया। ये यहाँ पर एक पोल बनता है, पोल के बाद में क्या बनता है, फ्लैग बनता है, फ्लैग बना देते हैं आगे की तरफ, ये फ्लैग बन गया, फ्लैग का ब्रेकआउट होता है और मार्केट बड़े अच्छे तरीके से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत बार बनता है, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स पे बनता है। अब देखें और एडवांसिंग अगर मैं समझना चाहूँ, यार मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रेड करना है, मैं चाहता हूँ कि इससे मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव हो, सबसे पहली चीज जो आप कर लो क्या, कि अगर आपको फ्लैग पोल पैटर्न ट्रेड करना है ना, तो कम से कम 5 से 10% का मूव आप पकड़ोगे पहला, कम से कम 5% का मूव आपको पकड़ना ही पकड़ना है। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आप 5% का मूव पकड़ोगे, 1% का रिस्क रखोगे, तभी तो आपको 5% का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:5 रखता हूँ, तो मुझे 5% का तो रिटर्न चाहिए कम से कम, अगर 1% का रिस्क है तो। इसी तरह से आपको यहाँ पर वर्कआउट करना है, उसमें आपका जो टारगेट रहता है 1:4, 1:5 नहीं रहता है, सिंपली आपका टारगेट रहता है जितना बड़ा पोल है, तो आप पोल बड़ा ढूंढोगे टारगेट भी बड़ा मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पर जितना बड़ा पोल होगा उतना बड़ा टारगेट होगा, लेकिन मिनिमम आप क्या ट्राई करो, आप कहीं भी अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज करो, लेट मी बी स्पेसिफिक, 4 आवर का अगर आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप 5% से 10% के बीच का ही मूव देखो, उससे छोटा मूव मत देखो। अगर आप उससे छोटा मूव देख रहे हो, देन यू आर इन ट्रबल, तब क्या होगा ना, आपके स्टॉप लॉस बड़ी जल्दी हिट हो जाएंगे। आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो ना, तो कम से कम 10% तो आपको लेना ही लेना है, कि 10% का मूव तो मेरे पास होना चाहिए फ्लैग का, तब जाके मैं एंट्रीज लूंगा। 5% से अगर कम का फ्लैग बन रहा है, पोल बन रहा है, मत एंटर करो, वो आपको लॉस ही देगा। और बात कर लेते हैं कि क्या ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, यस, आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देख लो, सबसे ज्यादा वर्क करने वाला पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। मैंने पर्सनली यूज किया इसको और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके। ये देखो यहाँ पर ये पोल बन रहा है, इसके बाद में फ्लैग बना देते हैं। ये देखो ये फ्लैग बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैग बन रहा था, ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैग बन रहा था, और ये वर्कआउट किया नीचे की तरफ सीधा पोल के बराबर का। हम अगर टारगेट रखते हैं तो पोल के बराबर, ये पोल को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ये पोल के बराबर का टारगेट आपको मिल जाता है। बहुत वाइडली यूज, बहुत ज्यादा यूज करने वाला है। और एडवांस करना चाहें इसको, तो एक ट्रिक तो हमने बताई थी कि अगर 50% से ऊपर आ चुका है तो एंटर मत करो। दूसरी ट्रिक क्या है कि जो मार्केट जब चलेगा ना, तो मार्केट एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कैसे कि मार्केट में बुकिंग्स कम से कम आई हो प्रॉफिट्स की, तो आपको मूव बड़ी जल्दी मिलेगा, बड़ी जल्दी मिलेगा। जैसे कि इसको एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे यहाँ मार्केट चला, मार्केट नीचे की तरफ तो आया, बट देखो कैसे आया, पहले नीचे आया थोड़ा सा, फिर रुका यहाँ पर, ठीक है, फिर रुकने के बाद में क्या किया, दोबारा नीचे आया थोड़ा सा, फिर रुका यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर रुका। तो जब ऐसे मार्केट चलेगा ना, तो क्या होगा, आपको टारगेट भी वो ऐसे ही देगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, ऊपर नीचे होगा। तो आप ट्राई करो कि फ्लैट, मतलब एकदम शार्प आपको मूव मिले, जैसे यहाँ पर एक शार्प मूव है। सबसे बढ़िया तरीका जो होता है ना फ्लैग एंड पोल पैटर्न को यूज करने का, वो यही होता है कि एक शार्प मूव को पकड़ो सबसे पहले, शार्प मूव के बाद में फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन होने दो, उसके बाद में ट्रेड कर दो उसको, मजा आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर देख लो, अभी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, तभी देख लो, ये आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया, ये आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। लेकिन उसके इमीडिएट बाद क्या हुआ, एक और पैटर्न बनना शुरू हो गया, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से ये चीजें वर्कआउट करती है। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस।